हेलो लर्नर, आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं एंड्रॉयड प्रोजेक्ट के बारे में। देखिए, मेरे पास एक कमेंट आया था कि अभी कुछ ही दिन बाद बाकी है, अब एंड्रॉयड का ट्रेनिंग उसने ली है तो उसको जो प्रोजेक्ट बनाने हैं कॉलेज के अंदर, माइनर प्रोजेक्ट, वो एंड्रॉयड के अंदर बनाना है। देखिए, अगर आप बिना ट्रेनिंग का तो ऑब्वियस सी बात है एंड्रॉयड में प्रोजेक्ट बना नहीं सकते। जब तक जावा या कोटलिन जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का नॉलेज नहीं होगा, ऑब्वियसली आप नहीं बना पाएंगे। एंड आपके लिए मैंने कुछ प्रोजेक्ट चूज किए हुए हैं जो शायद आपको हेल्प करे। और साथ ही साथ उसने कहा था कि 7 डेज का टाइम बचा है मात्र, तो कैसे मैनेज करें। तो यार, ये भी चीज़ है कि मैं बताऊंगा लास्ट में कैसे आप मैनेज करोगे साथ जब कुछ ही दिन आपको 2-3 दिन 4 दिन बचे। तो सबसे पहले अब स्टार्ट करते हैं कि आपके लिए पहला प्रोजेक्ट जो हमने चूज किया है, और आपके पास अगर टीम है या फिर सोलो है तब भी आप बना सकते हो। फर्स्ट वन इज ऑनलाइन एग्जाम एप्लीकेशन। देखिए, ये माइनर प्रोजेक्ट है तो उसको माइनर के तरीके से बनाइए ताकि आपका प्रोजेक्ट जल्दी बन जाए। तो ऑनलाइन एग्जाम एप्लीकेशन के अंदर एक ऑनलाइन पोर्टल बना सकते हो जहाँ पर ऑनलाइन एग्जाम में शेड्यूल किया जाए, ऑनलाइन एग्जाम मैनेज किया जाए। अब हर एक कॉलेज के लिए अलग या हर एक इंस्टीट्यूट के अलग हो सकता है, तो हर एक चीज़ एक वेबसाइट के फॉर्मेट में सब कुछ मैनेज किया जाए और ये सब कुछ ऑनलाइन हो, ऑटोमेटिक हो। तो ये आप एंड्रॉयड में कर सकते हो और ये ज़्यादा फेमस है अभी के टाइम में। हर कोई चीज़ का डिमांड जो है वो एंड्रॉयड में होता जा रहा है, तो आप इसको ऑनलाइन एग्जाम एप्लीकेशन एक बना सकते हो और ये इजी है। और उससे ही बड़ी बात ये है कि इसको आप कम से कम दिन में 3-4-5 दिन में भी लॉजिक लगा के रेडी कर सकते हो। नेक्स्ट जो आप कर सकते हो वो है वुमेन सेफ्टी एप्लीकेशन। वुमेन सेफ्टी मतलब आज के टाइम में ना बहुत से लोग अलग अलग चीज़ें बना रहे हैं वुमेन सेफ्टी के लिए, तो आप भी कुछ ना कुछ कर सकते हो। देखिए, उसमें क्या होता है, जैसे आप वुमेन के लिए कैसा पैनल दे दो वेबसाइट, मतलब उस एप्लीकेशन में, फिर आप एक एडमिन होगा जो उसका सब कुछ ट्रैक कर रहा होगा, वो कहाँ है, उसका लोकेशन क्या है, कभी कैमरा ऑन करना हो या ऐसा कुछ एक्सेस ले करके उनके जो फादर्स होंगे वो मैनेज कर रहा होगा एज ए एडमिन, और यूज़र होंगे उनका वही जो गर्ल्स हैं वो होंगी। तो एक अच्छा छोटा सा सिंपल डैशबोर्ड बना करके आप उसको रन करा सकते हो। नेक्स्ट है आपके लिए हॉस्टल मैनेजमेंट सिस्टम। हॉस्टल मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है जी, आप देखो हॉस्टल में कोई स्टूडेंट अगर बाहर जाता है या अंदर आता है तो उसको गेट पर साइन करना पड़ता है उनके वॉचमैन के सामने, राइट। तो आने वक्त फिर एंट्री करना पड़ता है, तो आप उसके लिए एक ऐसा पैनल रेडी कर सकते हो जहाँ पर एडमिन और यूज़र एज ए स्टूडेंट और जो वहाँ के वॉचमैन है वो देख सके कौन स्टूडेंट बाहर है कौन अंदर है, और जो भी जाएंगे वो वहाँ पर सिग्नेचर करके नहीं अपना अटेंडेंस या थंबनेल का कुछ ऐसा करके अपने मोबाइल के थ्रू जा सकते करके, तो उसे ना डायरी पे लिखना पड़ेगा ना आने के बाद खोजना पड़ेगा। और फ़ोन के ही अंदर का डैशबोर्ड रेडी कर सकते हो जहाँ पर वॉचमैन को पता होगा कौन से स्टूडेंट बाहर हैं, कौन से अंदर हैं, कहाँ हैं, कितने देर से बाहर और अंदर कर रहे हैं। ये काफ़ी बेस्ट प्रोजेक्ट है, मैंने आपके लिए बताया। अगला है, अगर इजी वे में चाहते हो तो एक सर्च इंजन बना सकते हो। गूगल जिस तरह से वर्क करता है ना, गूगल इज ए सर्च इंजन, तो उस तरह से आप एक प्रोजेक्ट बना सकते हो जहाँ पे सर्च इंजन, अब थोड़ा बहुत मशीन लर्निंग अगर आता है तो ये तो सोने पे सुहागा है जी, आप कर सकते हो। सर्च इंजन एक नॉर्मल सा बना सकते हो जहाँ पर आप स्क्रैपिंग भी कर सकते हो, आप ऑलरेडी जो बने बनाए वेबसाइट से वहाँ से डेटा फेच कर सकते हो, हर इसके लिए लाइब्रेरीज बनी हुई होती है, अभी भी कर सकते हो। साथ ही मैं ये बताने वाला था, अगर 3 या 4-5 दिन बचे हो, 7 दिन बचे हो, तो आप कैसे मैनेज करोगे। तो अगर कम से कम डेज है तो उसको मैनेज करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि गिटहब पर ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो आप जाओ गूगल सर्च करोगे कि ये प्रोजेक्ट चाहिए, वो गिटहब पे ऑलरेडी कोई ना कोई बना के रख रखे होंगे, बिलीव मी। तो आप वहाँ पे जाओ, उसको रिपोजिटरी क्लोन कर लो, उसमें चेंजेस कर लो, छोटे मोटे चेंजेस करके आप उसको कॉलेज में दिखा सकते हो, रेदर देन कि आप कहीं पैसा दे करके आप प्रोजेक्ट खरीदो। वो कोई 10,000-20,000 चार्ज करते हैं प्रोजेक्ट खरीदने का, तो माइनर प्रोजेक्ट है, उसमें तो ऐसे भी टेंशन नहीं लेना। तो गिटहब पर ये चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल है, आप वहाँ से कॉपी करके रन करा सकते हो, थोड़े बहुत एरर अगर आएंगे तो ठीक कर सकते हो, डिपेंडेंसीज वगैरह अगर आया तो। और बाकी एक्सप्लेनेशन तो आपने अगर ट्रेनिंग ली है तो एक्सप्लेनेशन आता ही होगा, नहीं भी आता तो एक्सप्लेनेशन एक एक कोड का एक्सप्लेनेशन आप सीख सकते हो। बेहतर पीपीटी फर्स्ट इंप्रेशन है, इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, वो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट। में पीपीटी बेहतर बनाइए और जो आपने प्रोजेक्ट कॉपी किया है उसको सही से एक्सप्लेनेशन सीख लीजिए, कैसे क्या होना है, बैकिंग डेटा बेस, फ्रंट एंड, क्या क्या चीज़ें हैं उसमें, और फिर आप बेहतर कर सकते हो। तो यार, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी यू, बाय बाय।